बात करेंगे आईटी ट्रेड के मैकेनिक डीजल के कोर्स के बारे में। जो बच्चे मैकेनिक डीजल का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है। वो बच्चे अभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही एडमिशन स्टार्ट होने वाली है। जो बच्चे अपनी सीट बुक करना चाहते हैं वो हमारी कनेडियन आईटी पटियाला में आकर हमसे मिल सकते हैं, या फिर फोन नंबर दिए हुए हैं, फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के सीट बुक कर लीजिए। क्योंकि मैकेनिक डीजल का कोर्स करने के बाद आप बहुत इजीली इंडिया में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो मैकेनिक डीजल का आप कोर्स करते हो, लेकिन क्या है कि आपको कोर्स पढ़ के करना चाहिए। अगर आप पढ़ के कोर्स करते हो तो डेफिनेटली आप इजीली जॉब प्राप्त कर लोगे, क्योंकि हमारी आईटी में हम बच्चों को जो मैकेनिक डीजल का कोर्स करवाते हैं उसमें थ्योरी के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल की प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। हमें पता है कि जब बच्चे आईटी ट्रेड का कोर्स कंप्लीट करने के बाद बाहर जॉब के लिए जाएंगे तो बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक किया जाता है, तो इसी वजह से हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देते हैं। एक साल का कोर्स है आपका मैकेनिक डीजल का, एक साल के बाद इजीली आप कहीं भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहां कहां जॉब मिल सकती है। और आईटी करने के बाद आपको हमारी कनेडियन आईटी पटियाला से एनसीवीटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि पूरे इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी वैलिड है। इंडिया में भी कहीं भी आप सर्टिफिकेट के साथ जॉब कर सकते हैं, और फॉरेन कंट्री में भी वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, वहां भी आप इजीली जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपने मैकेनिक डीजल का कोर्स किया हुआ है तो आपको कहां कहां जॉब प्राप्त होगी। सबसे पहले तो अगर आपने मैकेनिक डीजल का कोर्स किया हुआ है तो आप खुद की वर्कशॉप खोल सकते हैं। आप छोटे लेवल पे छोटी वर्कशॉप खोलेंगे, जैसे जैसे आपकी आमदन बढ़ेगी तो आप उसको हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं, जो आपके हाथ में है, तो आप छोटे लेवल से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट मैकेनिक डीजल का कोर्स करते हैं वो समुद्री जहाजों किश्तियों के इंजनों की रिपेयर का काम भी उनको मिल सकता है। स्टूडेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि रेलवे या रोडवेज में और या फिर मेस में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक का कोर्स करने के बाद स्टूडेंट हैवी ड्यूटी ड्राइवर भी लग सकते हैं, वहां पर भी उनको अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है। ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट ऑटोमोबाइल कंपनी में अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मैकेनिक डीजल का कोर्स करने के बाद डिप्लोमा कॉलेज में मैकेनिकल लैब इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी आपको जॉब मिल सकती है। मैकेनिक डीजल का अगर आप कोर्स करते हैं तो आप किसी भी कंपनी में क्वालिटी इंस्पेक्टर या फिर सुपरवाइजर की जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट किसी भी कंपनी में ऑटोमोबाइल सेल्समैन की जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्स जो है, ये कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आप अलग अलग कंपनियों में कारें, बसें, बसों का जो निर्माण का कारखाना होता है वहां पर आप मैकेनिक टेक्नीशियन के तौर पर भी जॉब आपको मिल सकती है। स्टूडेंट पंजाब सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे खेतीबाड़ी हो गया, बिजली बोर्ड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या फिर कारपोरेशन में जनरेटर ऑपरेटर या पंप ऑपरेटर की आपको जॉब मिल सकती है। ये कोर्स करने के बाद आप हैवी ड्यूटी लाइसेंस लेकर बाहर फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं, वहां जाकर आप इजिली 3 से 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। आईटी करने के बाद स्टूडेंट सीटीआई करके किसी भी सरकारी या प्राइवेट आईटीआई में एज अ इंस्ट्रक्टर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप डिप्लोमे के दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हैं, और स्टूडेंट अलग अलग यूनिवर्सिटीज, पब्लिक स्कूल या फिर हॉस्पिटल में जो एमरजेंसी जनरेटर लगे होते हैं उनकी देखभाल का काम भी आपको मिल सकता है। मीन्स के काफी अलग अलग डिपार्टमेंट है जहां पर आपको जॉब मिल सकती है। जॉब तभी मिलेगी अगर आप पढ़ के कोर्स को कंप्लीट करोगे और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। तो सभी बच्चों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने एडमिशन लेनी है तो एडमिशन लेने के बाद कोर्स को प्रॉपर ध्यान से पूरा करें और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉपर लें, ताकि आपको इजीली जल्दी जॉब प्राप्त हो सके। तो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारी कनेडियन आईटी पटियाला में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी सीट बुक कर सकते हैं, और या फिर आप फोन नंबर पे भी बातचीत कर सकते हैं।
और प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो बच्चे एडमिशन करवाना चाहते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।